नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांटी और बरौनी बिजली इकाई हो जाएंगे बंद, अब भागलपुर को भी जोड़ा जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से। 1 अक्टूबर के बाद बिहार के इन 8 जिलों में होगा बालू खनन। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को साबित किया झूठा, बिहार के सरकारी कर्मियों को दशहरे से पहले मिलेंगे महंगाई भत्ता। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। अब भागलपुर को भी जोड़ा जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से। भागलपुर से दिल्ली बाय रोड सफर आसान होने वाला है, क्योंकि अब बक्सर से दिल्ली को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से भागलपुर भी जुड़ेगा। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बाद पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को पत्र भेजा गया है, जिसके तहत बक्सर भागलपुर समेत 4 नई सड़कों को भारतमाला फेज 2 में जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। बताते चले कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने भारतमाला परियोजना 1 के तहत 8 सड़कों का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इसमें पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे सहित अन्य सड़कें शामिल हैं। वहीं ये जिन 4 नई सड़कों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, उनमें बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, नवादा बरौनी झंझारपुर लदनिया हाईवे, मांझी बरौली बेतिया बगहा कुशीनगर हाईवे और कहलगांव कुरसेला फारबिसगंज 4 लेन शामिल है। 1 अक्टूबर के बाद बिहार के इन 8 जिलों में होगा बालू खनन। कल यानी कि 1 अक्टूबर से बिहार में NGT की रोक हट रही है। इसके बाद बिहार के 8 जिलों नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर और अरवल में ही खनन का कार्य होगा। वहीं 8 अन्य जिलों के लिए टेंडर पर विचार किया जा रहा है। बताते चले कि हर साल NGT 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगा देती है। रोक हटाने के बाद अब फिर से बालू खनन शुरू होगा। हालांकि पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास व गया में बालू कंपनी द्वारा खनन कार्य से इनकार किए जाने के बाद वहां पर खनन नहीं हो सकेंगे, लिहाजा वहां बालू की किल्लत हो सकती है। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। सुबह बिहार में एक दफा फिर से मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। कई जिलों में ठंड हवाएं बुधवार की शाम से ही चल रही है, जिस कारण से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के पूर्व और उत्तर के जिलों में 48 घंटों के दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज पटना सहित अनेक कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश व बिजली के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। साथ ही आज के लिए जमुई और नवादा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कांटी और बरौनी बिजली इकाई हो जाएंगी बंद। बिहार में काफी पुराने 2 बिजली उत्पादन इकाइयों को NTPC बंद करने की तैयारी में है, जिनमें मुजफ्फरपुर का कांटी बिजली घर और बेगूसराय का बरौनी यूनिट शामिल है। NTPC का कहना है कि ये दोनों ही पुरानी इकाई हैं, जिस कारण बिजली उत्पादन में अधिक कोयला लगने से लागत बढ़ रही थी, लेकिन इनसे 110 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा था, जिसके बाद कांटी और बरौनी की दोनों पुरानी इकाइयों को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि NTPC ने कहा है कि के बंद होने से राज्य में बिजली की कमी की कोई समस्या नहीं होगी। नवीनगर में नई बिजली इकाई शुरू होने से बिजली की आपूर्ति पूरी होगी। UPSC टॉपर बिहार के शुभम कुमार के मार्क्स हुए जारी। देश की सबसे बड़ी परीक्षा UPSC में पहली रैंक लाने वाले बिहार के शुभम कुमार के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक टॉपर शुभम कुमार ने मेंस और इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर 1054 नंबर हासिल किए हैं, यानी कि उन्हें 100% में से 52.04% आए हैं। वही सेकंड टॉपर को शुभम से मात्र 2 नंबर ही कम आए हैं। बताते चले कि UPSC में प्री की परीक्षा क्वालिफाइंग होती है, जबकि फाइनल रिजल्ट मेंस और इंटरव्यू के आधार पर बनता है। कटिहार के शुभम ने लिखित परीक्षा में 878 और इंटरव्यू में 176 नंबर लाए हैं। इस साल मेंस के लिए 736 नंबर कट ऑफ था, जिसे केवल GS पेपर 1 के आधार पर तैयार किया गया था। बिहार के सरकारी कर्मियों को दशहरे से पहले मिलेंगे महंगाई भत्ते। बिहार सरकार के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों को दशहरे से पहले ही अतिरिक्त आर्थिक लाभ होने वाला है। दरअसल सरकार दशहरा के पहले ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का जुलाई और अगस्त का एरियर देने जारी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक सितंबर के वेतन से ही जोड़कर कर्मियों को 28% DA महंगाई भत्ता का लाभ मिलने लगेगा, लेकिन जुलाई व अगस्त के एरियर का भुगतान अक्टूबर में किसी भी दिन हो जाएगा, यानी यह अक्टूबर के वेतन से पहले ही मिल जाएगा। इससे पहले इन दोनों महीने के एरियर का भुगतान अक्टूबर के बाद अलग अलग महीनों की सैलरी से ही जोड़कर करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब इस फैसले को बदल दिया गया है।
राज्य में स्टेट बैंक की दो ब्रांचों में 60 लाख का हुआ फ्रॉड। रुपयों की ठगी करने वाले जालसाज अब सीधे बैंकों में सेंध मारने लगे हैं। ताजा मामले में स्टेट बैंक की दो ब्रांचों से ठगी करने का मामला सामने आया है। यह वाकया राजधानी पटना में हुआ है, जिसके तहत नीतीश कुमार श्रीवास्तव नाम का जालसाज कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक के मौर्यालोक शाखा और आरकेपुरम दानापुर ब्रांच से एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। इस ठग ने खुद को विद्युत बोर्ड का कर्मचारी बताते हुए लोन उठाए, लेकिन गोला रोड शाखा में भी उसने लोन के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद शक होने पर जांच पड़ताल में बात सामने आई कि ये ऐसा कोई कर्मचारी विद्युत बोर्ड में नहीं है और उक्त अकाउंट का कोई खाता धारक भी नहीं है। इसके बाद बैंक शाखा ने उस जालसाज को बहाने से बुलाकर पुलिस की गिरफ्त में दे दिया। शहीद जवान धर्मेंद्र कुमार को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर में पोस्टेड रोहतास के शहीद धर्मेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर बीते शाम पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर जिला प्रशासन ने शहीद धर्मेंद्र कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, डीजीपी एसके सिंघल और पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने शहीद धर्मेंद्र कुमार सिंह के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि 27 सितंबर को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर जाने के दौरान सड़क हादसे में सेना के जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह की मौत हो गई थी। वे रोहतास जिले के विक्रमगंज स्थित मेधरा गांव के रहने वाले थे और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। जवान धर्मेंद्र कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा। वे साल 2008 से ही भारतीय सेना से जुड़े थे। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को साबित किया झूठा। बीते दिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लंबित परियोजनाओं को लेकर एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भेजा था, लेकिन नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने किसी भी लेटर मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव भी फुल प्रूफ के साथ सीएम को झूठा बता दिया है। तेजस्वी यादव ने भेजे गए पत्र की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, जिस पर मुख्यमंत्री सचिवालय की मुहर लगी हुई है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि लगता है मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि संपूर्ण मुख्यमंत्री सचिवालय भी थक चुका है, जो नेता विरोधी दल के पत्र को भी अग्रेतर कार्रवाई के लिए सीएम को प्रेषित नहीं करते। जदयू ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। बिहार में आगामी 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी दलों में उम्मीदवार खड़े करने को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बीच जदयू ने दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवार का नाम साफ कर दिया है। इसके तहत जदयू ने कुशेश्वर स्थान से दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के बेटे अमन कुमार हजारी को अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि आगामी 5 अक्टूबर को वह नामांकन भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तारापुर विधानसभा सीट से पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय मेवाला चौधरी के बेटे को टिकट देने की योजना थी, मगर उनके चुनाव लड़ने से इनकार कर देने के बाद राजीव कुमार सिंह और निर्मल सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने शताब्दी समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। अगले महीने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष को लेकर ऐतिहासिक तौर पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति भी शामिल होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में इस आयोजन को शानदार और ऐतिहासिक बनाए जाने की तैयारी चल रही है। विधानसभा परिसर के मुख्य भवन के सामने बोध गया से लाकर एक बोधि वृक्ष भी लगाया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ सीएम ने भी बिहार विधानसभा परिसर का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम भवन निर्माण के अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए। बताते चले कि यह कार्यक्रम 21 अक्टूबर को होने वाला है। बिहार में अब जल्द शुरू होगी चकबंदी। भूमि विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से बिहार में फिर से चकबंदी को लागू किया जाएगा। बिहार सरकार इसके लिए पहल करते हुए भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है, जिसके बाद बहुत जल्द ही चकबंदी करके वैसे किसानों को एक जगह जमीन का भूखंड उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिनकी जमीन अलग अलग जगहों पर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय के अनुसार इस काम को IIT रुड़की की 5 सदस्यीय टीम से करवाया गया है। टीम ने इस काम को लगभग पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब सरकार जल्द ही बंदी करके किसानों को जमीन मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। बिहार सरकार की इस पहल के बाद एक तरफ जहां किसानों को फायदा होगा, वहीं जमीनी विवाद में भी काफी कमी आएगी। बिहार में बाढ़ की वजह से ग्रामीण इलाके की सड़कें ज्यादा हुई क्षतिग्रस्त। बिहार में आई बाढ़ की वजह से आम जनजीवन के साथ ही सड़क रास्तों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस बात को ग्रामीण कार्य मंत्री ने भी माना है। बीते दिन जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मंत्री जयंत राज ने कहा कि इस बार बाढ़ की वजह से ग्रामीण इलाकों की काफी सड़कों को क्षति पहुंची है, क्योंकि कई नए इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया था, जिस कारण ज्यादा सड़कों को नुकसान हुआ है। उन्होंने नुकसान का आकलन करीब 250 करोड़ रुपए का सड़कों का किया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि
इसका पूरा और सही सही आकलन पानी के पूरी तरह निकल जाने के बाद ही किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग के मुताबिक जिन सड़कों पर पानी उतर गया है वैसे 5175 सड़कों को मरम्मत कर आवागमन के लायक बना दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा के मामले में सीएम ने स्पष्ट की बात। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को सीएम नीतीश कुमार दोहराते आए हैं। हालांकि इन दिनों इन्हीं की पार्टी के कई नेता विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग से मुकर रहे थे। मंत्री विजेंद्र कुमार के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बातों से भी ऐसा लग रहा था कि जदयू अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने से पीछे भाग रही है। हालांकि बीते दिन मीडिया से खुद ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उन्होंने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि हम लोगों ने विशेष राज्य की दर्जा की मांग को नहीं छोड़ा है, इस पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। वहीं इस दौरान उन्होंने मंत्री विजेंद्र यादव का भी बचाव किया और कहा कि वे अपने तरीके से विशेष सहायता दिए जाने को लेकर ही कह रहे थे। रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप को हर हाल में जीतने का किया दावा। T20 वर्ल्ड कप 2021 इस साल UAE और ओमान में अक्टूबर नवम्बर के महीने में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। इसी बीच टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने पूरी दुनिया को एक चेतावनी दे दी है। भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि इस ICC T20 विश्व कप में हमारे में से प्रत्येक इतिहास दोहराने के लिए अपना सब कुछ झोंक देगा। हम इसके लिए आ रहे हैं, मैं इसे जीतने आ रहा हूं। बताते चले कि 17 अक्टूबर से T20 विश्व कप का आगाज हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में बाढ़ की वजह से क्या आपके जिले की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।